विद्यार्थी मित्रों मजा में छेले दीकरा संस्कृत नी अंदर त्रण यूनिट आपणे पूरा कर्या त्यार बाद हवे चौथो यूनिट तेनुं नाम छे सड़ख्या। सड़ख्या एटले थाय संख्या। संख्या विषय आपणे जोवानुं छे। तो दीकरा संस्कृत नी अंदर संख्याओ खास जोवानी छे। गुजराती में संख्या ज्ञान तमे धरावो छो दीकराओ, तेवी ज रीते संस्कृत भाषा में संख्या बोलो लखो अने व्यवहार में तेनो उपयोग थाय ते माटे अथवा तो ते हेतुसर आ यूनिट नी अंदर तो के भाई 1 થી 12 सुधीनी संख्या तमने शीखवामां आवे छे। तो जोईए आपणे एक एक। सौथी पहेली आपणे जोईए अंको अने शब्दो बन्ने में दीकराओ छे लखवानो प्रयत्न करशो। तो आज दीकरा तुम्हारी कहो एकम। एकम एटले थशे एक। त्यारबाद द्वे। द्वे एटले थशे तो के भाई बे। त्यारबाद तो के भाई त्रेणी। त्रेणी एटले थशे त्रण। त्रेणी एटले तो के त्रण। त्यारबाद त्यारबाद चतवारी। चतवारी एटले थशे चार। त्यारबाद पंच। पंच एटले थशे पांच। त्यारबाद षट। षट एटले थशे तो के भाई छ। षट एटले छ। त्यारबाद सात। त्यारबाद अष्ट। अष्ट एटले तो के आठ। अष्ट एटले आठ। त्यारबाद नौ। नौ एटले तो के नौ। नौ एटले नौ। त्यारबाद दस। दस एटले तो के भाई दस। त्यारबाद एकादश। एकादश एकादश एटले तो के अग्यार। त्यारबाद द्वादश। द्वादश एटले तो के बार। द्वादश। द्वादश एटले बार। तो खास यूनिट नी अंदर दीकरा तमारे मात्र 1 થી 12 सुधीनी संख्याओ छे ई दीकराओ बराबर याद राखवानी छे अने दरेक संख्याओ छे एने तमारे पाकी करवानी छे। बीजू कई यूनिट मां छे नही अने खास बोलता आवडो जोईए कोने शुं कहेवाय। एक वखत दरेक ने बोलावुं छुं दरेक विद्यार्थी अंदर। एकम एटले एक। द्वे एटले बे। त्रीणी एटले त्रण। चतवारी एटले चार। पंच एटले पांच। षट एटले छ। सप्तम एटले सात। अष्ट एटले आठ। नव एटले नौ। दस एटले दस।
एकादश एटले अग्यार अने द्वादश एटले बार। तो दरेके खास दीकराओ संस्कृत नी अंदर अंको शीखवाना अने शब्दार्थ नी अंदर एने केम लखाय ए शब्दार्थ जोवाना छे। अने शब्दार्थ लख्या पछी बोर्ड में लिखे एवी रीते एक वक्त मात्र लखवानुं छे। तो आज नवा शब्दों के पाठ तो बीजो कई छे नहीं। त्यारबाद स्वाध्याय नी अंदर आपणे नजर करीए तो स्वाध्याय नी अंदर पहेलो प्रश्न छे नीचे आपेला अंको ने शब्दों में लखो। तो पहेलो प्रश्न अंको ने शब्दों में लखो। तो दीकरा तमने दरेक अंक छे ई आपी दीधेला छे। पेलू जो पेलू जे छे ई पंचम, बीजू छे ई एकम, त्रीजू छे ई सप्त, चौथू छे ई एकादश, बीजू छे एनी पछी छे ई द्वेष, एनी पछी नौ, बीजा कोष्टक नी अंदर पेलू छे ई अष्ट, बीजू छे चतुवारी, त्रीजू छे ई षट, एनी पछी चौथू छे ई दस, एनी पछी छे त्रीणी, अने त्यार बाद आव्यो छे द्वादश। तो बधा ज आपणे उच्चारण छे ई बोर्ड पर मैं लिख्या छे, तमने आरामथी आवडशे। त्यार बाद बीजो प्रश्न छे जोड़का जोड़ो, जोड़का जोड़ो। तो एनी अंदर खास जो पेलू छे पंच, तो पांच क्या छे तमारे गोतीने लखवानुं छे, एटले के पेलानी सामे आवशे त्रण। त्यार बाद बीजू जे छे ई छे अष्ट, अष्ट एटले आठ, आठ छे ई चार नंबर उपर छे। त्यार बाद त्रीजो द्वादश, द्वादश एटले बार, बार छे छेला नंबर उपर छे एटले के पांच नंबर उपर। त्यार बाद चार चतवारी, चतवारी एटले शुं थाय तो के चार, चार छे एक नंबर उपर छे। अने त्यार बाद छे पांच, पांच छे नौ, तो नौ छे दीकरा बे नंबर उपर छे। तो आ तमारो साचो क्रम थई गयो। त्यारबाद प्रश्न नंबर त्रण, नीचे आपेला नीचे आपेला अंको शब्दोने अंक मां लखो आव। एटले अंक आप्या छे, सॉरी शब्दो आप्या छे अने शब्दोने आपणे अंक मां लखवाना छे। शब्दोने, शब्दोने गुजरातीમાં છે, શબ્દોને અંકમાં લખો, અંકની અંદર લખો, એટલે શબ્દોના રૂપમાં છે, આપણે એને અંકમાં ફેરવવાનું છે। તો પેલું છે દીકરાઓ એકાદશ, એકાદશ એટલે તો કે અગિયાર, પેલું થશે એકાદશ એટલે તો કે ભાઈ અગિયાર। ત્યારબાદ બીજું જે છે નવ, તો અંકોની અંદર આપણે એને નવ લખવાના છે। ત્યારબાદ ત્રીજું જે છે ત્રણ નંબરનું છે તો કે ભાઈ ષટ, ષટ એટલે છ થાય ષટ, ષટ એટલે છ। અને ત્યારબાદ ચાર નંબરનું આપ્યું છે અષ્ટ, અષ્ટ એટલે તો કે આઠ। અને પાંચમું તમને જે આપ્યું છે ઈ છે પંચ, પંચ, પંચ એટલે તો કે ભાઈ પાંચ। તો આ શબ્દો છે, શબ્દોની અંદર આપ્યું તે એને આપણે સરસ મજાનું અંકની અંદર ફેરવવાનું હતું। તો અહીંયા સરસ મજાનો તમારો હોમ પાઠે પૂરો અને સ્વાધ્યાય પૂરો, એકદમ નાનો યુનિટ છે પણ મગજ હેલું છે, મગજ માગે એવું તો છે જ નહીં, ગાય એકદમ સહેલું છે બરોબર। તો ખાસ દીકરાઓ યાદ રાખજો આજના લેશન ની અંદર એક થી બારે બાર, એક થી બારે બાર જે તમને આપ્યા છે એ એક થી બારે બાર શબ્દો એટલે કે શબ્દોમાં અને અંકોમાં બંનેમાં તમારે લખવાનું છે। લખાઈ જાય પછી તમારે નોટની અંદર તમારી સ્વાધ્યાય શરૂ કરી દેવાનો, પેલા પ્રશ્નની અંદર અંકોને શબ્દોમાં લખો, અંક આપ્યા છે અને એક થી બાર ની અંદર જ છે, અંકોને શબ્દોમાં લખી નાખવાનો, બીજા જોડકામાં જોડી દીધા
ત્રીજાની અંદર શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દોને તમારે અંકમાં લખવાના છે ઓકે વળી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ